हरे कृष्णा। नारी शक्ति की जब भी बात हुई है तो हिंदू धर्म में कई ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपनी प्रेरणादायी जीवन से भारत की सभी स्त्रियों को एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। ऐसी कई स्त्रियों के नाम हम सभी को पता है, जैसे माँ सीता, माँ पार्वती, द्रौपदी, लक्ष्मी, ये सभी तो देवियां हुईं। इनके अलावा भी और भी न जाने कितनी स्त्रियां हुई हैं, पर हम में से कितने लोग माता सती देवहूति को जानते हैं? सती देवहूति कोई और नहीं, स्वयंभू राजा मनु और शत्रुपा की पुत्री थी। आज हम उन्हीं की कथा सुनेंगे। सती देवहूति ब्रह्मावर्त देश के अधिपति एवं बहिष्मतिपुरी के निवासी महाराजा स्वयंभुव मनु की पुत्री थी। इनकी माता का नाम शत्रुपा था। वे देवर्षि कर्दम को ब्याही गई थी और इन्हीं के गर्भ से सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ था। वे बचपन से ही बड़ी सद्गुणवती थीं। रूप और लावण्य में तो समानता करने वाली उस समय कोई दूसरी स्त्री थी ही नहीं। देवहूति भारतवर्ष के सम्राट की लाडली कन्या होकर भी राज वैभव के प्रति आसक्त नहीं थीं। इनके मन में धर्म के प्रति स्वाभाविक अनुराग था। त्याग और तपस्या का जीवन उन्हें अधिक प्रिय था। वे चाहती तो देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष तथा मनुष्य में किसी भी ऐश्वर्यशाली वर के साथ विवाह कर सकती थीं, किंतु इन्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि यह जीवन भोग विलास के लिए नहीं मिला है। मानव भोगों से स्वर्ग का भोग उत्कृष्ट बताया जाता है, किंतु वह भी चिरस्थायी नहीं है, अंत में दुखी देने वाला है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा का कल्याण। इसे ममता और आसक्ति के बंधनों से मुक्त करके भगवान से मिलाना। जिसने मनुष्य का शरीर पाकर इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं की, उसने अपने ही हाथों अपना विनाश कर लिया। जिसने इस मोक्ष साधक शरीर को विषय भोगों में ही लगा रखा है, वह अमृत देकर विष का संग्रह कर रहा है। इन्हें उच्च विचारों के कारण देवहूति किसी राजा को नहीं, तपस्वी मुनि को ही अपना पति बनाना चाहती थी। देवर्षि नारद जी की सम्मति से महाराजा मनु, महारानी शत्रुपा तथा पुत्री देवहूति को साथ लेकर महर्षि कर्दम के आश्रम पर गए, जहां जाकर मनु जी ने उनको प्रणाम किया। रानी और कन्या ने भी मस्तक झुकाया। कर्दम जी ने आशीर्वाद देकर राजा का यथोचित सामग्री से विधिवत सत्कार किया तथा उनके राजोचित गुणों की प्रशंसा करते हुए आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। मनु जी ने कहा, ब्रह्मन, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज मुझे आपका दर्शन मिला है और मैं आपके चरणों की मंगलमय धूल मस्तक पर चढ़ा सका। आप ब्राह्मणों की कृपा सदा ही मुझ पर रहे और इस समय भी उस कृपा का मैं पूर्ण रूप से अनुभव कर रहा हूँ। जिस उद्देश्य को लेकर आज मैंने आपका दर्शन किया है वह बतलाता हूँ, सुनिए। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग पति प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इसने देवर्षि नारद जी के मुख से आपके शील, रूप, विद्या, आयु और उत्तम गुणों का वर्णन सुना है और तभी से आपको ही अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी श्रद्धा से अपनी यह कन्या आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। कर्दम जी को भगवान की आज्ञा मिल चुकी थी, अतः उन्होंने महाराज मनु के वचनों का अभिनंदन किया तथा कुमारी देवहूति के रूप और उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इतनी शर्त अवश्य लगा दी कि संतानोत्पत्ति काल तक ही मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा, इसके बाद संन्यास ले भगवान के भजन में ही शेष जीवन लगाऊंगा। मनु जी ने देखा इस संबंध में महारानी शत्रुपा तथा राजकुमारी भी स्पष्ट अनुमति दे रही हैं, अतः उन्होंने कर्दम जी के साथ अपनी गुणवती कन्या का विवाह कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि उपहार में दिए। देवहूति तन, मन, प्राण से प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा में लग गईं। उन्होंने काम वासना, कपट, द्वेष, लोभ और मद आदि दोषों को कभी अपने मन में आने नहीं दिया। विश्वास, पवित्रता, उदारता, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि सद्गुण उनके हृदय में स्वभावतः बढ़ते रहे।
इन्हीं सद्गुणों के द्वारा देवहूति ने अपने परम तेजस्वी पति को पूर्णतः संतुष्ट कर लिया। निरंतर कठोर व्रत आदि का पालन करने से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे पति को परमेश्वर मानती और उन्हें सर्वथा प्रसन्न रखना ही अपना परम धर्म समझती थी। इस प्रकार पति की सेवा करते करते कितने ही वर्ष बीत गए। एक दिन देवहूति की सेवा, तपस्या और आराधना पर विचार कर तथा निरंतर व्रत आदि के पालन से उन्हें दुर्बल हुई देखकर महर्षि करदम को दयावश कुछ खेद हुआ और वे प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में कहने लगे, देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की कोई चिंता नहीं की। अतः मैंने भगवान की कृपा से तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित विभूतियां प्राप्त की हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। पतिव्रत्य धर्म का पालन करने के कारण तुम्हें सभी प्रकार के दिव्य भोग सुलभ हैं। तुम इच्छानुसार उनका उपभोग कर सकती हो। देवहूति ने कहा, प्राणनाथ मैं यह जानती हूँ कि अमोघ योग शक्ति तथा त्रिगुणात्मिका माया पर आपका पूर्ण अधिकार हो गया है, परंतु संतान न होने से मेरे मन में कभी कभी क्षोभ सा होता है। गृहस्थी की शोभा संतान से ही है, अतः मेरी संतान विषयक अभिलाषा की अब पूर्ति होनी चाहिए। श्रेष्ठ पति के द्वारा उत्तम संतान की प्राप्ति सती नारी के लिए बहुत बड़ा लाभ है। यह सुनकर करदम जी ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया। उनके संकल्प मात्र से एक अत्यंत सुंदर विमान प्रकट हो गया, जो इच्छा के अनुसार सर्वत्र आ जा सकता था। उसका निर्माण उत्तमोत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। उसमें सभी प्रकार के दुर्लभ दिव्य वैभव और दिव्य सामग्रियों का संचय था। पति के साथ दिव्य विमान पर बैठकर सहस्त्रों दासियों से सेवित हो उन्होंने अनेक वर्षों तक इच्छानुसार विहार किया। संपूर्ण देवोद्यानों तथा त्रिलोकी के सुंदरतम प्रदेशों में वे विमान द्वारा विचरती रहीं। कुछ काल के पश्चात देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो अद्वितीय सुंदर थीं। उनके अंगों से भी कमल की सुगंध निकलती थी। कन्याओं के जन्म के पश्चात अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने से करदम ऋषि वन में जाने को उद्धत हो गए। उन्हें संन्यास के लिए जाते हुए देख देवहूति ने उमड़ते हुए आंसुओं को किसी प्रकार रोका और विनय युक्त वचनों से कहा, भगवन आपकी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, अतः आपका यह वन की ओर प्रस्थान करना आपके स्वरूप के अनुरूप ही है। तथापि मैं आपकी शरण में हूँ, अतः मेरी दो एक विनय और सुन लीजिए। इन कन्याओं को योग्य वर के हाथों में सौंप देना पिता का ही कार्य है, अतः यह आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही जब आप वन में चले जाएं, उस समय मेरे जन्म मरण का शोक और बंधन को दूर करने वाला भी यहाँ कोई रहना चाहिए। प्रभु जब तक भगवान की सेवा से विमुख रहकर मेरा जो जीवन इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो व्यर्थ ही गया है। आपके प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने विषयासक्त रहकर आपसे अनुराग किया है, तो भी यह मेरे संसार बंधन को दूर करने वाला ही होना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुषों का संग सर्वथा कल्याण करने वाला होता है। निश्चय ही भगवान की माया द्वारा मैं ठगी गई, तभी तो आप जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैं संसार बंधन से छूटने का कोई उपाय न कर सकी। देवहूति के वैराग्य युक्त वचन सुनकर करदम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय तुम मन में दुखी न हो, कुछ ही दिनों में साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि का अनुष्ठान करती हुई श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना करो। पति की इस आज्ञा के अनुसार देवहूति पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वास के साथ भगवान के भजन में लग गई। समयानुसार देवहूति के गर्भ में भगवान का अंश प्रकट हुआ। इसी बीच में ब्रह्मा जी नव प्रजापतियों के साथ वहां आए।
उन्हीं के आदेश से कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों के साथ कर दिया। कला मरीचि को, अनुसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलस्त्य को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को और अरुंधति वशिष्ठ मुनि को ब्याही गई। तदनंतर शुभ मुहूर्त में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल ने अवतार ग्रहण किया और अपने पिता कर्दम को उपदेश दिया। तत्पश्चात वे विरक्त होकर जंगल में चले गए और सर्वत्र सर्वात्म भूत भगवान का अनुभव करके उन्हें परम पद प्राप्त हुआ। देवहूति ने भी विषयों की असरता का अनुभव कर लिया था। उनकी दुख रूपता और असत्यता की बात उनके मन में बैठ गई। भगवान कपिल से उन्होंने अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें योग, ज्ञान और भक्ति के उपदेश दिए। अपना अभिमत सांख्य मत माता को स्पष्ट रूप से बतलाया। उनका उपदेश श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध के 25वें अध्याय से आरंभ होकर 32वें अध्याय में पूर्ण होता है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भगवान के उपदेश से देवहूति का मोह रूप आवरण हट गया, अज्ञान दूर हो गया। वे कृत्य कृत होकर भगवान कपिल की स्तुति करने लगी। स्तुति पूर्ण होने पर कपिल देव जी माता की आज्ञा ले वन में चले गए और देवहूति वहीं आश्रम पर रहकर भगवान का ध्यान करने लगी। भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु अब उनके मन में नहीं आती थी। वे भगवान में इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। उस समय उनके शरीर का पालन पोषण केवल दासियों के ही प्रयत्न से होता था। शरीर पर धूल पड़ी रहती, फिर भी उसका तेज कम नहीं होता था। वे धूम से आच्छादित अग्नि की भांति तेजोमयी दिखाई देती थीं। बाल खुले रहते, वस्त्र भी गिर जाता, फिर भी उनको इसका पता नहीं चलता था। निरंतर श्री भगवान में चित्त वृत्ति लगी रहने के कारण और किसी बात का उन्हें भान ही नहीं होता था। कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग का आश्रय लेकर थोड़े ही समय में उन्होंने नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया और उन्हीं के परमानंदमय स्वरूप में स्थित हो गई। जिस स्थान पर देवहूति को सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह आज भी सिद्धि पद के नाम से सरस्वती के तट पर स्थित है। देवहूति का शरीर सब प्रकार से दोषों से रहित एवं परम विशुद्ध बन गया था। वह नदी के रूप में परिणत हो गई, जो सिद्धगण से सेवित तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है।